लगातार प्रदर्शन आपके कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह से ही किया जा रहा है। 5 तस्वीरें प्रदर्शन की आप देखिए, जहां पर प्रदर्शनकारी भिड़ रहे हैं पुलिस वालों से। महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिला आप कार्यकर्ता भी हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं। 10 घंटे की छापेमारी के बाद कल संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद आज आपका ये धरना प्रदर्शन 5 तस्वीरों में बयां हो रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे। पुणे में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन राजघाट में बीजेपी ने अपने ही तरीके से विरोध किया। मुंबई में भी आपका प्रदर्शन जारी है, यानी कि 3 ऐसे मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, पुणे, जहां पर आपके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वहां पर भी आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन मंजीत देखा जा रहा है, किस स्तर पर यह प्रदर्शन है, वहां पर भी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं? देखिए नेहा, इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ में मौजूद हैं, और जहां तक अगर मेरे दाई और नजर दौड़ाए तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के पुरुष और महिला कार्यकर्ता इस सड़क को जाम करते नारेबाजी कर रहे हैं, और वही संजय सिंह की रिहाई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी निशाना बना रहे हैं। इसके बाद ये कार्यकर्ता यहां से चंडीगढ़ के भाजपा कार्यालय की तरफ कूच करेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, और ये सिर्फ चंडीगढ़ से ही नहीं है बल्कि पंजाब की कई जगहों से यहां पर आकर पहुंचे हैं। इनकी सब यही मांग है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत है और उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। आप अगर तस्वीरें हम तक पहुंचा सके मंजीत, चंडीगढ़ में आपके पीछे तमाम कार्यकर्ता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नेहा, इस वक्त हम देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के पुरुष और महिला कार्यकर्ता हाथ में प्ले कार्ड लेकर इस टाइम प्रदर्शन कर रहे हैं, और ज्यादातर प्ले कार्ड में भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया गया है। सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी के भाई हैं। संजय सिंह को रिहा करो, भाजपा हारेगी, इस तरह के जो शब्द हैं इन प्ले कार्ड्स पर लिखे गए हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है, और वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। संजय सिंह की रिहाई की लगातार मांग पर यहां की जा रही है, और इस सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। पंजाब के कई हिस्सों से इस वक्त पुरुष और महिला कार्यकर्ता जाम कर बैठे हैं, और उनका अगला पड़ाव भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ कार्यालय होगा, और यहाँ से ये भीड़ आगे बढ़ेगी। इस वक्त हम देखिए, जिस तरीके से भाजपा की मोदी सरकार देश की एजेंसियों को मिसयूज कर रही है, और आम आदमी पार्टी के लीडरों के खिलाफ 1.5 साल से झूठी कार्रवाई कर रही है, और पिछले कल जो संजय सिंह हैं, जो हमेशा से ही किसान और जवान की बात पार्लियामेंट में करते रहे हैं, और लगातार मोदी साहब की एंटी पीपल पॉलिसीज को बेनकाब करते रहे, उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और देश के लोग सड़कों पे आज संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष जारी रहेगा। 2024 में आम आदमी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, ये लोगों ने तय कर लिया है। निशा, 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी है। देखिए पेशी कितने बजे होगी अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है, 2 के बाद ही होगी, लेकिन साफ तौर पे संजय सिंह को क्योंकि कल अरेस्ट किया गया है, उनको आज पेश किया जाएगा। संजय सिंह का नाम जो है ईडी की कंप्लेंट में, जो अप्रूवर बने हैं दिनेश अरोड़ा, जो कि एक बिजनेसमैन है, जिनके खिलाफ आरोप है कि वो काफी हद तक इस कंस्पिरेसी में शामिल थे, दिनेश अरोड़ा के खिलाफ आरोप भी थे, अब उनको अप्रूवर बनाया गया, यानी कि सरकारी विटनेस बनाया गया है। उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया है अपनी अगर आप ईडी की कंप्लेंट देखें, यानी कि चार्जशीट देखें, तो उसमें यही कहा गया है कि क्योंकि अप्रूवर ने उनका नाम लिया है, इसलिए संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने कहा है अपनी चार्जशीट में कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और भी लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, और भी आगे इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। ईडी का साफ तौर पर ये कहना है कि तो काफी कुछ अभी हो रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे पुलिस और बैरिकेडिंग पूरी तरह से तैनाती सुबह से ही हो गई है। हालांकि संजय सिंह को अभी 2:30-3 के आसपास शायद लेकर आया जाएगा। आम आदमी पार्टी का ऑफिस जो कि बिल्कुल यहां से 500 मीटर के आसपास दूर है, वहां पर अभी भी हम देख ही रहे हैं कि प्रोटेस्ट लगातार जारी है।
कोर्ट में आज ईडी क्या कहती है वो देखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अब तक जो कहा गया है ईडी के द्वारा वो सब यही है कि अप्रूवर के कहने पर, अप्रूवर ने जो कहा है, अप्रूवर ने जो बयान दिया है उसके बेसिस पे संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है। और ईडी ने साफ तौर पर पहले भी कोर्ट को ये इतला दी थी कि अप्रूवर की जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे आगे काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे तक जाने की उम्मीद है। यानी कि ठीक 2 बजे पेशी नहीं हो पाएगी, उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि वक्त रखा गया है। लेकिन इसके अलावा महत्वपूर्ण कई बातें अनीशा आप जानकारी दे रही हैं, यहां पर भी आप कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, उसको लेकर कोई तैयारी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा? देखिए जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन साहब को बोलूंगी कि जरा आपको पैन करके दिखाएं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं यहाँ पर, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल पास में है। यहाँ पूरी सड़क जो है, ये माता सुंदरी रोड जो है, सारे में बैरिकेडिंग है, पुलिस की प्रेजेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर पुलिस भी है, जो उनके रैपिड एक्शन वाले भी हैं वो भी हैं, अच्छे से तैनाती की गई है। हालांकि अभी थोड़ा रिलैक्स है, सीनियर ऑफिशियल्स अभी गश्त लगाकर जा चुके हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर रख दिए गए हैं। बैरिकेड्स की तैनाती तब होगी जब थोड़ा ये पता चलेगा कि कितने बजे तक संजय सिंह को लाएंगे। और पूरी पूरी उम्मीद की जा रही है कि पार्टी वर्कर्स जो हैं जरूर कोशिश करेंगे इस सड़क पर आने की, और इसीलिए हम देख रहे हैं इस तरह की तैनाती जो की गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऑफिस बहुत पास है, वहां पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, काफी सारे कार्यकर्ताओं को माफ कीजिएगा डिटेन भी किया गया है। और यहाँ पर लेकिन क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईडी कितने बजे तक संजय सिंह को लाएगी, इसलिए यहाँ पर अभी तैनाती तो है, लेकिन कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ खबर आए कि कब तक संजय सिंह को पेश किया जाए, तभी हो सकता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। स्टूडियो अनीशा, इसके साथ ही ईडी की तरफ से कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या कहना है, किस तरीके से पेशी होगी? क्योंकि पहले भी एक बार जब हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी, तब ये कोर्ट प्रोसीजर काफी लंबा चला था, ऐसी उम्मीद ईडी कर रही है या फिर नहीं? देखिए पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो तो आसपास यहाँ घूम ही रहे हैं, ईडी के ऑफिशियल्स और पुलिस जो है वो भी आसपास घूम ही रही है। अंदर प्रोसीजर क्या होगा, कितना लंबा चलेगा, उस पर हम इस वक्त कोई भी स्पेकुलेशन कर नहीं सकते, कोई भी टिप्पणी कर नहीं सकते। लेकिन ये हमें ये बात देखने की जरूरत है, आज पहली पेशी है संजय सिंह की, पहली पेशी के दौरान क्या होता है। जनरल प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, पहली पेशी के दौरान जो भी अरेस्टेड अक्यूज्ड होता है, आरोपी जो होता है, उसको लाया जाता है कोर्ट के सामने, पूरी जो है रिमांड पेपर रखा जाता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा कि क्यों हमें इस इंसान की कस्टडी चाहिए, किस तरह से हमें सवाल जवाब उनसे करने हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उनके खिलाफ और क्या हो रही है। वो रिमांड पेपर के बेसिस पे फिर संजय सिंह की तरफ से भी जो वकील आएंगे वो फिर अपनी दलील रखेंगे कि वो उसको क्या जवाब देते हैं, वो कस्टडी को अपोज कर सकते हैं कि क्या किस तरह से हुआ, और उसमें जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा, वो अभी देखना होगा कि क्या होगा। एक बार ही संजय सिंह को पहले लेकर आए, लेकिन नॉर्मली ये जो हियरिंग है नॉर्मली हमने कभी नहीं देखा कि आधा पौना घंटे से ज्यादा चले, लेकिन अगर कोई आपत्ति जताते हैं आरोपी की तरफ से, जो डिफेंस काउंसिल आते हैं वो कुछ डिटेल